उस चले खैरात से कि तुसी चाहते हो कि तुहाडा मुल्क जिहड़ा है वो दोबारा एक बार आजाद होने के बाद दोबारा इक्तिसादी मुकम्मल इक्तिसादी गुलामी चला जाए। अगर तुहाडा जवाब यकीनन मेरा और तुहाडा जवाब नफी ही होएगा इनकार ही होएगा तो फिर अपने दिल से हाथ रख के मैं दसो कि फिर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीग के अलावा कोई और पार्टी है इतनी ताकतवर या इतनी मुनज़्ज़म कि वो पीपल्स पार्टी इस जरदारी लीग का इस जरदारी पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके और इन्हें तो इंतजार हो सके कि कोई और पार्टी है। अगर नहीं है तो फिर तुम अगर शेर के निशान के अलावा किसी होर निशान के उत्ते मोड़ लाते हो तो कि तुम जरदारी को दोबारा इंतजार के ऐवान लैके नहीं जा रहे हो। अगर तुम आजाद कैंडिडेट की तरफ देखो साढ़े को भाई जी दाल और सुखी रोटी कमाने के अलावा मुस्लिम लीग हाउस से कुछ नहीं है किसी तो भी पूछ लो तिजोरियाँ इलाका असी नहीं करते। अगर एक पास सुखी दाल तो सुखी रोटी होएगी दुए पास करोड़ों के ब्रीफ केस हो गए तो आजाद कैंडिडेट से खुद दसो कि पास जा भी थोड़ा फैसला मैं सिर्फ सवाल थोड़े अगर सोच रहा हूँ हाँ जी और आखिरी बिल्कुल हल्की जी गल करते साडी बुराई कटते रहते साडे मुखालफत करते रहते क्यों और अगर साडी मुखालफत कर रहे जरदारी मजबूत नहीं कर तो यह चीज़ा ने जिन्हों देखना है अपना फैसला करने तो पहले कौमी सत्ता दूसरी साइड पर गल आती है कि अगर असी अपने नुमाइंदगान को देखिए मियाँ साकिब खुर्शीद मैं इन्होंने हम 22-23 साल से जाना इंतहाई शरीफ दयानतदार और ईमानदार आदमी और मैं तो उन्होंने अपने उस्ताद गिनना मैं दसो उस तो ज़्यादा शरीफ दयानतदार ईमानदार अगर तुम मैं इतने सियासतदान दस दिए तो मैं दसो कोई होर है पहली गल दूसरी गल उन्होंने वालिद साहब की कारकर्दगी उन्होंने अपनी अपने तहसील आते कारकर्दगी मिसाली और उन्हें अपनी जिंदगी वक्फ कर दिती है साड़ी ही खिदमत और साडे इलाके की खिदमत मैं उन्होंने सलाम पेश करना और दुआ करना दूसरी बेगम साहब इमरान दौलताना मैं किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी दस दौ किसी और हल्के दस्ते जिसे 9 अरब रुपए की तरक्या की फंड आया और इतने एक रुपए का फंड भी लियाना वो बहुत मुश्किल गल है तुम किसी को भी पूछ लो ये भैन है माँ का काम है जिस खो के थोड़े इन्नी खतीर रकम की डिवेलपमेंट